हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल रूडिमेंटल केमिस्ट्री। अगेन वी आर हियर विथ द वीडियो सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर वन, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर आप इसके पहले का वीडियो देखेंगे पार्ट वन, देन यू विल इंट्रोड्यूस विथ द टॉपिक्स लाइक वेरिएशन, सिमिलैरिटीज, ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा। इवन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लिनियन हायरार्की, ये सारे टॉपिक आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मिल जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय आर एच वीटेकर in the year of 1969. He suggested a scheme of five kingdom classification which was based on some characteristics. He classify the whole living organism into the five kingdoms. The basis of five kingdoms are as follows. अगेन हम इसको ठीक से समझते हैं। इसके पहले आपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, विच वॉज गिवन बाई स्कैरुलस लिनियस। आपको फर्स्ट पार्ट जरूर देखना चाहिए, तभी ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये उसके आगे का टॉपिक है। आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि फाइनल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में से रहेंगे। सो द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने कुछ बेसिस पे फाइव ग्रुप में डिवाइड किया था। द फर्स्ट बेसिस वॉज आइदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर किसी किंगडम में उनको डालना है तो वो ये देखते थे कि द गिवन ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ये किस टाइप के सेल कैरी कर रहा है। एज यू नो, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है और कई सारे सेल ऑर्गेनेल मिसिंग रहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सो इफ द सेल इज प्रोकैरियोट तो आप उसको अलग ग्रुप में डालते हैं, एंड इफ द सेल इज यूकैरियोटिक टाइप तो उसको अलग ग्रुप में डाला जाता है। द सेकेंड बेसिस वॉज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स इज इट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो भी ऑर्गेनिज्म है, क्या वो केवल वन सेल से मिलकर बना हुआ है, उसकी पूरी बॉडी क्या केवल वन सेल से ही बनी हुई है, तो उसको आप क्या बोलते हो, यूनिसेलुलर। और इफ़ इट्स बॉडी कंटेंट्स मोर देन वन सेल, मीन्स बहुत सारे अगर सेल्स हैं, तो इसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। सो द सेकेंड बेसिस वॉज इज इट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देन थर्ड बेसिस वॉज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन, मीन्स वेदर द गिवन ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। एज यू नो, ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। जनरली इसमें प्लांट्स आते हैं विच कैन प्रोड्यूस देयर फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हेटरोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स के अलावा सम कीमोट्रॉप्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जो केमिकल सिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, बट उनकी जो संख्या है, देयर नंबर इज़ वेरी लेस। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे जो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट। प्रोकैरियोटिक सेल, इफ इट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म, मीन्स डेफिनेटली इट विल बी यूनिसेलुलर। कैसा रहेगा, ये केवल एक सेल से बना रहेगा। तो फर्स्ट किंगडम आपको मिलता है, दैट इज मोनेरा, मीन्स मोनेरा हैव ओनली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक टाइप ऑर्गेनिजम्स। सेकेंडली, इफ द सेल इज यूकैरियोटिक, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, इट मे बी यूनिसेलुलर, और सेकेंडली इट मे बी मल्टीसेलुलर। इफ इट इज यूनिसेलुलर, देन यू विल गेट योर सेकेंड किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। इफ इट इज मल्टीसेलुलर, देन देयर आर फर्दर टू पॉसिबिलिटीज। अगर ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है ऑर्गेनिज्म, देन फिर से दो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज इफ इट कंटेन्स सेल वॉल, अगर इसके पास सेल वॉल हो, तो सेल वॉल में भी अगेन दो कैटेगरी आती है, विच कैन फोटोसिंथेसिस, तो यू गेट थर्ड किंगडम, दैट इज प्लांटी। एंड इफ कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, देन
यू गेट फोर्थ किंगडम दैट इज फंजाई. एंड लास्टली यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर बट विदाउट सेल वॉल, देन इट विल बी योर फिफ्थ किंगडम एनीमेलिया. सो फाइनली वी गेट फाइव किंगडम, फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड प्लांटी, फोर्थ फंजाई एंड फिफ्थ एनीमेलिया. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दीज फाइव किंगडम, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एग्जाम्पल्स. सो यहाँ तक में देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच यू मस्ट राइट इन योर फेयर नोटबुक एंड यू मस्ट मेमोराइज देम. दैट इज फर्स्ट, वॉट इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन? सेकेंडली, वॉट डू यू मीन बाई लीनियन हायरार्की? थर्ड, वॉट डू यू मीन बाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? वॉट आर द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? बस यहाँ तक, एटलीस्ट यू हैव टू राइट डाउन दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल फाइव किंगडम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो आज के लिए केवल इतना ही. आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. एंड इन विच टॉपिक यू वॉन्ट मोर वीडियोज, प्लीज़ कमेंट एंड कीप वॉचिंग. चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, देन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का. सो थैंक यू सो मच.